खड़ी हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको एयरपोर्ट मेट्रो मिलेगी और दिल्ली के और स्टेशन तक जाने के लिए मेट्रो मिलेगी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास भी होने वाला है। ये खास होगा 15 फरवरी के दिन। यहाँ से शुरू की जाएगी देश की पहली सेमी बुलेट ट्रेन, जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस भी। हाँ, ये वही ट्रेन है जिसका पहले नाम रखा गया था T18 ट्रेन, यानी कि ट्रेन 18 जिसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। और नई दिल्ली से वाराणसी तक के लिए ये ट्रेन पहली बार 15 फरवरी को चलाई जाएगी। तो क्या कुछ खास होगा इस ट्रेन में, हम आपको बताएंगे, बने रहिए मेरे साथ। स्टेशन से 15 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 11 बजे यहां से ये ट्रेन चलेगी और शाम को 7 बजे ये बनारस पहुंचेगी और वहां पर भी इसका ऐसा ही स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये शेड्यूल इसका हमेशा का नहीं होगा, आम दिनों के लिए इसकी टाइमिंग कुछ अलग होगी। इसके अलावा अभी तक जो लोग बनारस जाया करते थे वो राजधानी या शताब्दी ट्रेन लेते थे, जो कि 11 से 12 घंटे में दिल्ली से बनारस के बीच का 755 किलोमीटर का सफ़र तय किया करती थी। लेकिन सेमी बुलेट की जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में आपको वहां पहुंचा देगी। इसके अलावा अगर आपको कानपुर या फिर प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद भी कहते हैं, वहां पर भी जाना है तो भी ये ट्रेन आपके काफ़ी काम की है, क्योंकि इसके दो ही स्टॉपेज है, पहला कानपुर और दूसरा प्रयागराज, यानी कि कुंभ नगरी इलाहाबाद। ध्यान दें कि सफर तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब ट्रेन के अंदर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी ये भी हम आपको बता देते हैं। पहली बात तो ये ट्रेन फुल्ली एसी है, इसमें चेयर कार्स होगी और एग्जीक्यूटिव क्लास होगी। अब चेयर कार में तो आपने पहले भी सफर किया होगा, इसमें क्या स्पेशल है? दरअसल इसकी सीटें ज्यादा बड़ी होगी, इनकी सीटों को आप 360 पर टर्न भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक फैमिली या एक ग्रुप के साथ सफर कर रहे हैं और आपकी सीट आगे पीछे है तो वो टर्न करके आप एक ग्रुप में बैठ सकते हैं और अपने सफर का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ टच करने से ही इसके बल्ब जल जाएंगे, मतलब आपकी सीट पे जो बल्ब होंगे वो जल जाएंगे, पूरी ट्रेन के बल्ब की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इसके अलावा आपको यहाँ जर्क बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। आप जब भी किसी भी ट्रेन में सफर करते हैं आपको हल्के फुल्के हल्के फुल्के धक्के जैसे महसूस होते हैं, झटके लगते हैं ट्रेन के रुकने पे, चलने पे, और स्पेशली जब आप वॉशरूम जाते हैं तो ट्रेन के जॉइंट्स पे आपको काफ़ी जर्क महसूस होता है। तो इस तरह का जर्क यहाँ बिल्कुल महसूस नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन को स्पेशली डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है। शुरू हो चुका है और बात हो चुकी है फैसिलिटीज़ की भी, तो अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। ट्रेन में जा रहे हैं तो भूख तो लगेगी ना, लेकिन आपको यहाँ खाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जो आप शताब्दी और राजधानी में पे करते हैं उससे आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट आई होप कि खाने की क्वालिटी अच्छी हो। उस हिसाब से आपको चिपका हुआ चावल जो मिलता है, पानी जैसे जो दाल मिलती है शताब्दी वगैरह में, तो वो आपको खाना ना मिले यहाँ, ये ही हम सोचेंगे। क्योंकि इतना पैसा अगर ये ले रहे हैं तो
आई होप कि खाना अच्छा देंगे। इसके अलावा आपको खाने के लिए, जैसे अगर आप चेयर कार में जा रहे हैं तो अलग पे करना पड़ेगा, अगर आप एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर दिल्ली से वाराणसी चेयर कार में जा रहे हैं तो करीब 350 रुपये आपको पे करना पड़ेगा खाने का, कैटरिंग सर्विस का। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हैं तो आपको 400 के आसपास रुपया देना पड़ेगा। लेकिन वाराणसी से अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो आपको रुपया कम देना पड़ेगा। अब मोदी जी ने ऐसा क्यों किया है, कहीं बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है इसलिए तो नहीं किया, ये मुझे नहीं पता, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती। लेकिन अगर आप बनारस से दिल्ली चेयर कार में आ रहे हैं तो आपको वही 300 के आसपास रुपया देना पड़ेगा, और अगर आप आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में तो आपको 350 के आसपास रुपया कैटरिंग सर्विस और फूड का देना पड़ेगा। इसके अलावा पानी की बोतल और न्यूज़पेपर भी आपको अपनी सीट पे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 20 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ट्रेन में ही। और खाना यहाँ वैकल्पिक है, मतलब ऑप्शनल है, कहाँ से, प्रयागराज से बनारस तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है प्रयागराज से बनारस तक का, तो खाना ऑप्शनल रखा गया है। लेकिन फिर भी अगर ट्रेन में बैठने के बाद आपको लगता है कि आपको खाना खाना चाहिए या आपको भूख लगती है तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आपको खाना मिल जाएगा। लंच, डिनर, चाय, नाश्ता सब कुछ आपको ट्रेन में मिलेगा। बट आई होप कि इतना पैसा ले रहे हैं, मतलब 40% ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको खाना अच्छा मिले। हमने आपको फूडिंग और फैसिलिटीज़ के बारे में तो बता दिया है, लेकिन इसके लिए आपको जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी अब ये भी बता देते हैं। इस ट्रेन का जो किराया है वो 40% ज़्यादा है राजधानी और शताब्दी से, यानी कि अगर आप दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस पकड़ते हैं तो आपको सेकंड एसी में जाने के लिए, यात्रा करने के लिए 2000 के आसपास रुपया पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको वही किराया एग्जीक्यूटिव क्लास में 2800 से 2900 रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा चेयर कार जो है उसमें भी किराया ज़्यादा ही है, आपको 1600-1700 के आसपास देने पड़ेंगे। तो किराया कुल मिला के ज़्यादा रखा गया है, लेकिन उस हिसाब से सुविधाएं भी इसमें अच्छी है, तो ये ट्रेन कुल मिला के सफ़र करने के लिए और काफ़ी सही है। लेकर पत्थरबाजी तक किसी न किसी वजह से ये ट्रेन सुर्खियों में रही। पहले इस T18 ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया, तो लोगों ने एलिगेशन लगाई कि दूसरों से वंदे मातरम बुलवाने के लिए इसका नाम इस तरह से बदला गया है। इसके अलावा जब ट्रेन का ट्रायल लिया गया तो भी लोगों ने पत्थर बरसाए। लेकिन ट्रेन का नाम बदलने के पीछे क्या कहानी है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस सीरीज की जो ट्रेन है जिस साल में बननी थी उसी हिसाब से इनका नाम रखा गया था, यानी कि 2018 में ये पहली सेमी बुलेट ट्रेन चल रही है तो इसका नाम रखा गया T18। अगर 2020 में ऐसी ही कोई ट्रेन चलती है, दूसरी सेमी बुलेट ट्रेन चलती है, तो उसका नाम होता T20। लेकिन इस ट्रेन को किसी वजह से 2018 में नहीं चलाया जा सका, इसलिए इसका नाम 2019 में बदल कर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। तो ट्रेन के नाम बदलने के पीछे की असली कहानी यही है, जैसा कि हमारा डेटा और हमारा एनालिसिस बताता है। दोस्तों बुलेट ट्रेन का तो पता नहीं, लेकिन हमारे देश में सेमी बुलेट ट्रेन चल चुकी है, और सेमी बुलेट ट्रेन की तरह ही अब हमारे चैनल ने भी रफ्तार पकड़ ली है। तो दोस्तों हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था एक्वा लाइन के ऊपर, जिसमें आपका बहुत सारा प्यार मिला, सम्मान मिला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को भी आप ऐसा ही प्यार दें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप आगे हमारे चैनल पे क्या कुछ देखना चाहते हैं।